Good morning, students. How are you? I hope you all are fantastic. I, Priyanka, welcome to all on online science class at home. Today we are going to do our practice paper 1, and that is from chapter 1 to 4. Now let's start our first part, that is multiple choice questions. Now first question is, a white cottony growth on a piece of bread which is left in a moist warm place for 2 to 3 days is, यानी कि जब कोई भी ब्रेड पीस को हम 2-3 दिन के लिए किसी भी ह्यूमिड प्लेस पे, नमी वाली जगह पे रख देते हैं, तो उसके ऊपर व्हाइट कॉटनी ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, लाइक जैसे रुई होती है उस टाइप की स्ट्रक्चर उसके ऊपर आ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, तो हम उसको फुई कह देते हैं. तो नाउ यू विल सेलेक्ट विच वन इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट, अ पैरासाइट कॉल्ड कस्कटा, बी अ फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, सी एन इंसेक्टिवोरस प्लांट कॉल्ड ब्लेडर वॉर्ट, एंड डी नन ऑफ दीज. विच वन इज द करेक्ट? यस, अ फंगस कॉल्ड ब्रेड मोल्ड, क्योंकि ब्रेड के ऊपर जो फंगस है वो लग जाती है. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज बी. बी इज द करेक्ट आंसर, अ फंगस दैट इज ब्रेड मोल्ड. ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, द डाइजेस्टिव जूस इज प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट ऑन. जो डाइजेस्टिव जूस होता है सलाइवा के अंदर, वो किसके ऊपर काम करता है, यानी कि किसको ब्रेक डाउन करता है. नाउ फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च, सेकेंड ऑप्शन इज प्रोटीन्स, थर्ड ऑप्शन इज फैट्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज सेल्युलोज. सो विच वन इज द करेक्ट? यस, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर. स्टार्च इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो सलाइवा होता है उसके अंदर एक सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, जो किसको तोड़ता है? स्टार्च को तोड़ता है. नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज अ गुड इंसुलेटर, यानी कि इनमें से कौन सा फाइबर गुड इंसुलेटर है, यानी कि जो हीट को कंडक्ट नहीं करता, हीट पास अपने अंदर से नहीं होने देता. सो फर्स्ट ऑप्शन इज कॉटन, सेकेंड ऑप्शन इज सिल्क, थर्ड ऑप्शन इज जूट, फोर्थ ऑप्शन इज नाइलॉन. विच वन इज करेक्ट? यस, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज सिल्क. सिल्क इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ नेक्स्ट, द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, टेम्परेचर की SI यूनिट यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन इज फारेनहाइट, सेकेंड ऑप्शन इज केल्विन, थर्ड ऑप्शन इज सेल्सियस, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. विच वन इज करेक्ट? यस, केल्विन. केल्विन इज द करेक्ट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यस, केल्विन. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक प्लांट. सिम्बायोटिक का मतलब यानी कि जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है, अंडरस्टैंड? तो इनमें से कौन सा है वो? फर्स्ट ऑप्शन इज कस्कटा, सेकेंड ऑप्शन इज लाइकन, थर्ड ऑप्शन इज यीस्ट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज पीचर प्लांट. सो विच वन इज द करेक्ट? यस, लाइकन इज द करेक्ट आंसर. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, ह्यूमंस आर, ह्यूमंस क्या हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और ऑटोट्रोफ्स. हर्बीवोर्स तो वो होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, तो प्लांट तो खाते ही हैं. सेकेंड, कार्निवोर्स यानी कि जो प्लांट ईटर्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स, सॉरी फ्लैश ईटर्स. कार्निवोर्स क्या होते हैं? जो फ्लैश ईटर्स होते हैं. और जो ओमनिवोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट ईटर्स एज वेल एज फ्लैश ईटर्स. सो ह्यूमंस आर ओमनिवोर्स. सिक्स का सी ऑप्शन इज करेक्ट. एंड ऑटोट्रोफ्स है ही नहीं, क्योंकि ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट बी पार्ट, आंसर इन वन वर्ड और अ फ्यू वर्ड्स. आपको या तो वन वर्ड में या फ्यू वर्ड्स में आपको आंसर देना है. फर्स्ट क्वेश्चन, गिव द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन. नाइलॉन की जो बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? मींस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ नाइलॉन, जब नाइलॉन बर्न होता है तो इट मेल्ट्स, वो पिघल जाता है, श्रिंक हो जाता है, बिल्कुल सिकुड़ जाता है, एंड ड्रॉप्स ऑफ मेल्टेड नाइलॉन फॉल ऑन द ग्राउंड.
और जो नाइलॉन की जो ड्रॉप है वो ग्राउंड के ऊपर गिरने लगती है और किसकी तरह जलता है, बर्निंग लाइक प्लास्टिक। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइलॉन ड्यूरिंग बर्निंग। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेंस ऑफ टच इज डैश एस्टिमेट ऑफ टेम्परेचर। जब हम टच करते हैं सेंस ऑर्गन से तो वो किस टाइप का एस्टिमेट होता है टेम्परेचर का, तो व्हाट इज दैट, दैट इज सेंसरी, सेंसरी एस्टिमेट ऑफ टेम्परेचर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कार्बोहाइड्रेट, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज फॉल्स, बिकॉज जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा ग्लूकोज होता है, सो थर्ड वन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट, डैश हेल्प्स टू डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ टेस्ट बर्ड्स, यानी कि जो फूड का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट बर्ड डिटेक्ट करते हैं, तो वो टेस्ट बर्ड किसके ऊपर होती हैं? यस टंग के ऊपर। ओके, तो टंग हेल्प करती है ना, टंग हेल्प करती है क्योंकि टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं, सो राइट आंसर इज टंग, TONGUE। ओके, इफ यू वॉन्ट टू कैप्चर स्क्रीन शॉट देन यू कैन टेक, अदरवाइज आई विल रब द बोर्ड। नाउ लेट्स डू द सी पार्ट, आंसर ओरली। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम टू ब्रीड्स ऑफ शीप फाउंड इन इंडिया, यानी कि टू ब्रीड्स ऑफ शीप बतानी आपको जो इंडिया के अंदर मिलती हैं। सो फर्स्ट वन लोही, नाली, भाखरवाल, पटनवाड़ी, बहुत सारी हैं, तो बट आपको ओनली टू बतानी है, तो लोही एंड नाली। Understand? This one is first question. Now, second, what is the normal human body temperature in Celsius? Celsius के अंदर आपको normal human body temperature बताना है. So, what is that? 37 degree Celsius. 37 degree Celsius. And Fahrenheit में 98.6 degree Fahrenheit. Now, next, name four things required for photosynthesis. Photosynthesis में कौन सी चार चीजें required होती हैं? तो व्हाट आर दोज, फर्स्ट वन कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड वन वाटर, थर्ड वन सनलाइट एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। ओके, फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो कौन सी है? दैट इज लीवर, दैट इज लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड जो क्या सिक्रीट करती है, बाइल जो सिक्रीट करती है, और उसको स्टोर किसके अंदर करती है, गॉल ब्लेडर के अंदर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन सेरिकल्चर, सेरिकल्चर को डिफाइन करना है। सो व्हाट इज सेरिकल्चर, सेरिकल्चर द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर, यानी कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं किसका, सिल्क वॉर्म का, किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेरिकल्चर। ओके, नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाई आर व्हाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स मोर कंफर्टेबल इन समर, यानी कि गर्मी के सीजन में जो व्हाइट कलर के और जो लाइट कलर के जो क्लोथ्स हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होते हैं? ओके, दिस इज द क्वेश्चन, सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। वी वियर व्हाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर बिकॉज जो व्हाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर मोर कंफर्टेबल, ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं इन समर सीजन, बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द सन्स हीट That falls on them. क्योंकि वो क्या करते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा जो सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको वापस भेज देते हैं। यानी कि सपोज ये आपका व्हाइट कलर का क्लोथ है, इसके ऊपर जब सन की जो लाइट पड़ती है तो वो उसको दोबारा से बाउंसिंग बैक कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, सो दैट्स व्हाई वी वियर व्हाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ्स ड्यूरिंग समर सीजन, बिकॉज जो व्हाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स हैं दे रिफ्लेक्ट सन्स हीट। ओके, नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक।
I hope you understand. Now, okay, bye, happy learning.